मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45। आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी नींद खुल गई और ना बहुत ठंड लग रही थी, आज थोड़ा ज़्यादा ठंड है। तो देखिए अभी भी रजाई के अंदर घुसी हुई हूँ और फिर मैंने अपने लिए ना अदरक और इलायची वाली चाय बना ली। नॉर्मली मैं वॉक या रन से आने के बाद चाय पीती हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह चाय पीने का मन कर गया। ठंड थी बहुत ज़्यादा आज सुबह, मतलब है तो अभी भी, देखिए अभी अभी उठी हूँ, आँखों में देखिए पफीनेस, पफी आईज, सो इग्नोर दैट। तो बस आज सुबह कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत काम है घर का, वो सब फिनिश करके हमें सपना मौसी के घर लंच के लिए जाना है, जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था। तो अब मैं सीधा तैयार होकर सपना मौसी के घर जब लंच जाएंगे उससे पहले आपसे मिलूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, फिलहाल मैं अपनी चाय इंजॉय कर लेती हूँ। रजाई में घुसकर ना चाय पीने का मजा ही कुछ और है ना। Many unbearable hours later. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपना थोड़ा काम निपटाया और उसके बाद मैं तैयार हूँ। जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था कि सपना मौसी ने आज हमें लंच पे बुलाया हुआ है, तो माँ भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। और वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज देख लीजिएगा कल वाला वीडियो, कल जो हम सहस्त्रधारा गए थे वो वाला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसको प्लीज देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते हैं आज सपना मौसी के घर में क्या क्या बना है और क्या क्या मस्ती हम करने वाले हैं। तो माँ ऑलरेडी तैयार होके बाहर निकल चुकी है, बड़ी स्मार्ट लग रही है आज माँ। ये देखो माँ, गुड मॉर्निंग तो बोल दो सबको। हाँ, तो माँ कल थोड़ा सा थक गई थी, तो रात में माँ ने कुछ नहीं खाया, सो गई थी और सुबह उठी। अभी ठीक हो? हाँ, अभी माँ बिल्कुल फ्रेश है दोबारा से। तो चलिए चलते हैं। तो हम निकल चुके हैं और आज ना बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ठंड है, हवा चल रही है ना माँ? आज माँ को भी सुबह ठंड लग रही थी, तो आज थोड़ी हवा चल रही है, तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि विंटर हैज अराइव्ड, सर्दियां आ गई है। तो मैं यहाँ आनंदम से सपना मौसी के लिए मिठाई लेने आई हूँ। चलिए, तो मैंने ये खजूर बर्फी ली है। तो ये आनंदम स्वीट शॉप है जो कि बल्लूपुर रोड पर है, काफी बड़ी शॉप है और इनकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इनके ग्राउंड फ्लोर में तो ये स्वीट शॉप है, इनके जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें रेस्टोरेंट भी है जो कि प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। मैंने इनका मसाला डोसा भी ट्राई किया हुआ है, इनका कुलचा छोले भी ट्राई किया हुआ है और अमेजिंग है। तो बहुत ही बढ़िया शॉप है और पीहू को इनका कुल्फी फालूदा बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, मैंने ये मिठाई पैक करवा ली है। थैंक यू भैया। तो ये मैंने मिठाई ले ली है, तो चलिए अब सपना मौसी के घर चलते हैं। माँ गाड़ी में ही है। A few moments later. तो ये हम पहुंच गए सपना मौसी के घर। हेलो सपना मौसी, गुड आफ्टरनून अंकल। ये लो, बढ़िया 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 बढ़िया। और ये मिलिए सपना मौसी के बेटे से, बिगड़े हुए बेटे से। हेलो कोको, कोको कोको। मैं आओ, पुराने आओ, वो वही नहीं करता। तो थोड़ा उसको वो सिखाना चाहिए था ना मैनर्स हजुर ने। मैनरलेस बेटा है आपका। टी बाहर आओ। अच्छा, आज तक मैंने कभी आपको सपना मौसी के घर का टूर नहीं दिया है, क्योंकि जब भी हम यहाँ आए पार्टी में ही आए तो लोग भरे हुए होते हैं। तो आज मैं आपको सपना मौसी के और सुनील अंकल के घर का टूर देती हूँ। चलिए ये बाहर से शुरुआत करते हैं। तो ये है इनका बाहर का एरिया और आंटी ने बहुत सारे प्लांट्स लगाए, मतलब अंकल ने भी। अंकल बोलेंगे मेरा नाम नहीं ले रही है। ये देखो, ये पान का पत्ता, ये पान का है ये पेड़ जो है। तो यहाँ पे इन्होंने काफी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये बाहर का एरिया है और ये हो गया ये पूरा। यहाँ से जब आप अंदर घुसेंगे तो यहाँ से एक रूम है, लेकिन ये मेन एंट्रेंस है और ये है लिविंग रूम, यहाँ पे जहाँ पे की माँ बैठी हुई है। ये है इनका ड्राइंग रूम, ये है ड्राइंग रूम, ये लॉबी है और साथ में डाइनिंग हॉल है। लाइट जला दो आंटी थोड़ा सा। ये डाइनिंग हॉल हो गया और यहाँ एक वॉशरूम है और ये मासी का किचन है। और इधर भी लाइट जला दो मासी जी।
और ये सामने ना पूजा का रूम है, अभी दिखाती हूँ, मासी लाइट जला रही है, ये देखिए ये पूजा रूम है और ये इनका मेन बेडरूम है आंटी अंकल का, और ये तोशिका का बेडरूम था, जो अब तोशिका तो अभी आईआईएम में है, कोलकाता में है, तो ये तोशिका का बेडरूम है। यहाँ पे भी लाइट जला देती हूँ, मेरे रूम में। अच्छा, अब तो आंटी आजकल नहीं, आंटी कहती मैं आजकल यहीं बैठी रहती हूँ, तो ये वैसे तोशिका का रूम था लेकिन अभी आंटी आजकल इसको ज्यादा यूज करती है, और वैसे ऊपर भी है, आंटी के दो रूम ऊपर भी है, तो तोशिका वहां पे भी पड़ी रहती है। और ये कोको का रूम है ये, और इसके खिलौने देखिए जरा आप, स्टफ्ड टॉयज देखिए इसके, तकिए। अंकल कहाँ से आ रहे हो? अंकल कुछ खरीद के ला रहे हैं। अच्छा, दूध, ओके, दूध वाली चाय। क्या बात है भाई? हाँ, क्यों बात नहीं करते हो? क्यों बात नहीं करते हो? क्यों हेलो नहीं बोलते हो? क्यों इतनी बदतमीजी करते हो? हाँ, क्यों मुंह फुला के बैठे रहते हो? क्यों बात नहीं करते हो आप हमसे? हाँ, क्यों बात नहीं करते हो, बोलो तो। तो खाना लग चुका है, ये है राइस, दाल, कमल गट्टे की सब्जी, मूली और तिल की चटनी, गुरखाली चटनी, खोले साग, और माँ के लिए है फिश। वो बैठो माँ। हाँ हाँ, सब कहेंगे। तो चलिए लंच कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दो रूम्स ऊपर भी हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, अभी यूज में नहीं है क्योंकि तोशिका यहाँ पे है नहीं, और आंटी ने किसी को अभी किराए में नहीं दिया है। ये बाहर वॉशरूम है एक, ये अंदर रूम हो गया, तो ये किराए के पर्पज से भी बनाया हुआ है कि जस्ट इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़े तो किराए में भी दे सकते हैं। साथ में इसके एक छोटा सा किचन भी है। तो ये एक रूम हो गया, एक रूम सामने भी है, उसको भी किराए में देने के हिसाब से ही बनाया हुआ है। बीच में आंटी लोगों ने शायद एयरबीएनबी का भी है ना सोचा था, लेकिन किया नहीं फिर वो इन्होंने। हाँ, ये खाली पड़ा हुआ है। तो दो रूम है ऊपर, मतलब सेम सेट है किचन के साथ। तो ये तो खाली ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, सेम सेट है जैसे वो वाला है ना, वैसे ही सेम है, यहाँ पे भी किचन है, तो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है। तो ये दो रूम ऊपर हैं, और ऊपर इतनी अच्छी धूप है अभी, और सामने मसूरी का व्यू बहुत प्यारा है। और सपना मासी की छत से मसूरी देखिए, कितना बढ़िया व्यू है, एकदम पास नजर आ रहा है, ये देखिए एकदम क्लियर व्यू है। ये टिहरी की पहाड़ियां हैं ये वाली, और इस तरफ है मसूरी की पहाड़ी, ये बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत पास है, हमारे घर से इतना पास नहीं नज़र आता है जितना यहाँ से नज़र आता है। एक्चुअली ये मसूरी के बिल्कुल फुटहिल में है, जहाँ पे सपना मासी रहती है ना, वो एकदम मसूरी का फुटहिल है। तो बड़ी अच्छी धूप है मासी की छत में, और व्यू भी बहुत प्यारा है। तो खाना उना हमने खा लिया है अच्छे से पेट भर के, और बस अभी थोड़ी देर में हम घर वापस जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, देखो कैसे डर के भाग रहे, कैसे डर के भाग रहे, देखो क्या बात है, 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 क्या बात है। हेलो, अच्छा हेलो कर दो, हेलो कर दो। अच्छा, अभी अगले हफ्ते ना अंकल की जो बड़ी बहन है, बड़ी दीदी है, उनकी बेटी की शादी होने वाली है, तो अंकल अभी मतलब अभी से ही व्यस्त है, लेकिन अगले हम महीने अगले हफ्ते अंकल और ज्यादा व्यस्त होने वाले हैं। क्यों अंकल? हाँ, तो हम लोग सब शादी में शामिल होंगे, सब डांस करेंगे, आप लोगों से वही शादी में मुलाकात होगी। उससे पहले मुलाकात नहीं होगी, उससे पहले मुलाकात होगी जब, लेकिन हाँ जब टाइम मिले, बिल्कुल सही कहा। तो फाइनली सपना मौसी के घर से जाने का टाइम आ गया, तो मजा आया। हाँ, यहाँ पे दोनों समधिनों का मिलन हो रहा है, वो बहुत ही छोटी समधिन है वैसे, लेकिन हाँ लेकिन है तो समधिन रिश्ते में, क्या करें। तो दोनों समधिनों का मिलन हो रहा है, तो मिलते हैं फिर जल्दी, चलिए। तो बस निकल रहे हैं घर के लिए, रास्ते में माँ को स्वेटर लेना है उनके लिए, स्वेटर खरीदने के लिए रुकेंगे कहीं से, तो फिर आपको वहां पे मिलेंगे, चलिए। बाय बाय कोको, बाय बाय, बाय बाय कोको, कोको बाय बाय, बाय बाय।
अच्छा ये कोको का दोस्त है, देखो कोको उससे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोको का दोस्त। ओके अंकल बाय, बाय आंटी, कल मिलते हैं। ओके। अच्छा आर्मी का जो सबेरिया का कैंटीन है सामने, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आर्मी का ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे की ये बहुत ही बढ़िया एक स्टोर है इनका, जहाँ पे की आपको हर तरह के आइटम्स मिल जाएंगे, साड़ी सूट डेकोरेटिव आइटम्स गिफ्टिंग आइटम्स सब मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर माँ का शॉल मिलता है, शॉल और स्वेटर हमने देखना है, शॉल तो शायद ना मिले, स्वेटर शायद मिल जाए, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए काफी अच्छे गिफ्टिंग आइटम्स भी हैं यहाँ पे, सिरेमिक मग्स, हैंडबैग्स, कुछ पसंद आए तो बताना माँ। हाँ कुछ पसंद आए तो बता देना। हाँ मोबाइल के लिए चाहिए? हाँ तो देख लो, देख लो ना, देख लो दवाई भी। हाँ हाँ तो माँ अपने लिए एक हैंडबैग देख रही हैं जिसमें मोबाइल वगैरह भी रख सके। कितने का है ये वाला? और ये वाला, ये भी कलर अच्छा है, देखो वो भी अच्छा है माँ, है ना? हाँ 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 वो अच्छा लग रहा है ज्यादा। हाँ तो माँ को ये पर्स पसंद आया है, स्लिंग है, एक्चुअली पर्स नहीं है, स्लिंग है, मोबाइल वगैरह रखने के लिए, ठीक है। हाँ वो रख सकते हैं। और यहाँ देखिए ये कैंडल्स वगैरह हैं। अच्छा ये आर्मी का स्टोर है, मतलब आर्मी वाले से रन करते हैं, तो आपको यहाँ पे हर तरह के आइटम्स मिल जाएंगे, सूट्स, शूज, डेकोरेटिव आइटम्स, लैम्प शेड्स, पर्सेस, ये देखिए सामने कोट्स भी हैं, तो काफी सारा सामान है इनके पास। और ये सबेरिया कैंटीन के बिल्कुल ऑपोजिट है, फाइनली ये देखिए कुर्तीज भी हैं, और ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट के, हर स्टेट के कपड़े आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बेडशीट्स भी हैं देखिए इनके पास, और टॉयज भी हैं बच्चों के लिए, इधर भी देखिए डेकोरेटिव आइटम्स हैं। ये भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं। ये देखिए केन के बैग्स हैं, केन की टोकरियां, केन के बैग्स, ऊपर भी केन के बैग्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये डेकोरेटिव आइटम्स है, ये तो मुझे लग रहा है रितु तोमर का है। अच्छा ये जो सेक्शन है ना, ये मेरी फ्रेंड का है रितु तोमर, उससे आप मिल चुके हो कई बार मेरे व्लॉग्स में, तो उसका सामान भी रखा हुआ है यहाँ पे। ये भी रितु तोमर का ही है। रितु तोमर इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, तुम्हारा सामान मैंने देख लिया है। इधर भी देखिए लैम्प शेड्स हैं, बॉटल्स हैं, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे लैम्प शेड्स हैं। नीचे क्रॉकरीज भी हैं, खुर्जा वाला आइटम होता है ना वो है ये नीचे। काफी बड़ा स्टोर है ये देखिए, एक लुक में दिखाती हूँ आपको ये स्टोर पूरा। तो माँ अभी एक स्वेटर ट्राई कर रही हैं, लकीली माँ को मिल गया माँ की पसंद का यहाँ पे सामान, देखते हैं ये फिट आता है कि नहीं आता। तो साइज ठीक नहीं आया माँ को, अदरवाइज स्वेटर पसंद आया था, तो स्वेटर तो आया नहीं माँ को फिट, सूट देख रहे हैं अभी। माँ देखो अच्छा लग रहा है ये, है ना, साइज देखो, इधर दिखाओ इधर। हाँ अच्छा लग रहा है माई तो, स्मार्ट लग रहा है, हाँ स्मार्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ एक साइज और बड़ा है क्या इसका? पेट से मुझे लग रहा है हल्का सा टाइट है, ब्लैक होगा दिखाना। ये ठीक है फिर भी ठीक। हाँ ये ठीक है, कालो कालो माने मेरा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, हाँ ये ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल है, टाइट तो नहीं हो रहा ना। हाँ
तो ये स्टोल माँ के लिए साड़ी के साथ पहनने के लिए अच्छा लग रहा है। अच्छा आपको अच्छा लग रहा है? ठीक है फिर में भी थोड़ा। तो ये सूट लिया है माँ के लिए और ये शॉल लिया है और ये स्लिक। अच्छा ये जो शॉल है ना ये नूरपुर का है। हम लोग मामून में जब पोस्टेड थे तो हम बहुत जाया करते थे नूरपुर गरम कपड़े खरीदने के लिए, याद है माँ? तो फाइनली आज माँ के लिए काफी सारी शॉपिंग कर ली, अच्छा था सारा सामान। अच्छा अभी आते समय ना मैंने माँ को बोला कि माँ अगर कभी चाट वगैरह खाना हो तो बताना, तो माँ कहती है नहीं नहीं चाट नहीं खाना। मैंने कहा गोलगप्पा? हाँ गोलगप्पा तो हम कभी भी खा सकते हैं। मैंने कहा अभी खाओगे? कहती हाँ खा सकते हैं। तो शॉपिंग करने के बाद हम यहाँ 5-स्टार जनता में आ गए हैं गोलगप्पा खाने के लिए। सास बहू चटोरी सास बहू हम गोलगप्पा खाने के लिए 5-स्टार जनता में आ गए। माँ पाल तो लेडीज जो होती है ना चाट खाने के लिए कभी भी तैयार रहती हैं, चाहे कितना भी पेट क्यों ना भरा हो। तो ये मैंने 2 प्लेट गोलगप्पे का कूपन ले लिया है भैया, गोलगप्पे 2 प्लेट सूजी वाले। हाँ तो ये है बाहर इनका स्टॉल गोलगप्पे का। तो नीचे बैठकर खाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी तो हम ऊपर जा रहे हैं इनके रेस्टोरेंट में। माँ खड़े होकर नहीं खा पाएंगी शायद, तो इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं इनके रेस्टोरेंट में। तो चलिए आओ माँ। तो ये है इनका रेस्टोरेंट, तो हम यहाँ आ गए हैं। तो देखिए 5-स्टार जनता का रेस्टोरेंट है ऊपर, बहुत अच्छा बनाया। मैं कभी नहीं आई यहाँ पे, आनंदम के रेस्टोरेंट में मैं तो गई हुई हूँ लेकिन इनके रेस्टोरेंट में कभी नहीं आई। पीछे पार्टी भी चल रही है लेडीज की, तो अच्छा है। तो हमने पानी पूरी के साथ मक्की की रोटी और सरसों का साग 1 प्लेट मंगाया, मैं और माँ शेयर करके खाएंगे। तो ये हमारा गोलगप्पा आ गया। थैंक यू भैया। चलो माँ शुरू करो, बना लोगे ना? हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा 1 प्लेट में काफी सारे गोलगप्पे हैं, 8 गोलगप्पे हैं। 8। हाँ चलो माँ शुरू हो जाओ। और ये गया माँ के मुंह में। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ फटाफट अपना, और ये गया मेरे मुंह में। बढ़िया, बहुत दिनों बाद खाया। तो चलिए खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। इसके बाद हम खाएंगे मक्की की रोटी सरसों का साग। माँ कहती है ये तो स्टार्टर है, अभी तो हमारा मेन कोर्स भी आने वाला है। और देखिए ये आ गया हमारा मेन कोर्स, मक्की की रोटी और सरसों का साग। ये माँ और मैं शेयर करके खाने वाले हैं। अच्छा मुझे जनता की ना ये मक्की की रोटी सरसों का साग बहुत पसंद है, खासकर सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। ट्राई करो माँ मक्की की रोटी सरसों का साग, मुझे अच्छा लगता है, मैं काफी बार खा चुकी हूँ इन लोगों का ना, ये अच्छा बनाते हैं। हाँ मतलब यहाँ पे आकर नहीं खाया, घर में मंगा लेती हूँ कई बार ना, क्योंकि अकेले के लिए तो ये मक्की की रोटी सरसों का साग बनाने का मतलब नहीं है ना, तो मैं घर में ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। साथ में गुड़। तो इतने अच्छे से पेट भर गया है हमारा, बट बहुत मजा आया है ना। गोलगप्पा भी अच्छा था और मक्की की रोटी सरसों का साग भी बहुत बढ़िया था। तो बस अब हम सीधा यहाँ से घर जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो मैं बाहर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। माँ भी बाय कर रही है, तो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।